आनंद ये बताइए कि उद्धव वाला उद्धव ठाकरे के लिए सबसे सेंसिटिव मुद्दा है चीफ मिनिस्टीरियल पोस्ट, जिसके लिए दशकों पुराना गठबंधन छोड़ दिया उद्धव ठाकरे ने, और आज की तारीख में कांग्रेस की नजर है मुख्यमंत्री के चेहरे पर, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ी, विधायक ज्यादा जीत कर आए, लोकसभा चुनावों से उत्साहित है, तो उद्धव ठाकरे वापसी की राह देखेंगे, क्या करेंगे उद्धव ठाकरे? गरिमा जी नमस्ते। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता चाहिए होती है लोगों की सेवा करने के लिए। हमने 95 में एक प्रकार से सत्ता लाई, लेकिन तब भी हमारे शिवसैनिक ही मुख्यमंत्री बने थे, बाला साहब ठाकरे साहब उस समय भी नहीं बने थे। 19 में भी हमारे नेता श्री उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक हमारा आपसी समझौता था कि भाई ढाई ढाई वर्ष हम मुख्यमंत्री पद संभालेंगे और लोगों के विकास और कल्याण के लिए काम करेंगे। हालात ऐसे बने कि आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को मुख्यमंत्री पद का शपथ लेना पड़ा और उन्होंने ढाई साल अच्छे से राज्य मुख्यमंत्री पद का नहीं बता रहा हूं, पार्टी का था। उद्धव ठाकरे जी स्वयं मुख्यमंत्री बनने के लिए कभी इच्छुक नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। पार्टी के लोगों में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, हमने पहले भी बनाया, आगे भी बनाएंगे। उद्धव ठाकरे साहब का स्पष्ट कहना है महाविकास आघाड़ी में कि एक मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए। आपको लगता है कि हमारी पार्टी से आप संतुष्ट नहीं है, आप अपनी पार्टी का चेहरा बताइए, राष्ट्रवादी अपनी पार्टी का चेहरा बताए। एक चेहरा जब हम लेकर जाएंगे तो उसका फायदा होता है, इतिहास में भी हुआ है, वर्तमान में भी होगा, भविष्य में भी होगा। तो कह दिया बाला साहब थोराट ने आनंद दुबे, कह दिया उन्होंने कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। गरिमा जी आपने मेरी बात को सुना नहीं, हमने कहा है कि बिफोर इलेक्शन चेहरा बताइए। बाला साहब थोराट जी कह रहे हैं कि चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद हमारा हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, हर पार्टी की इच्छा होती है उनका बने, इसके लोग कह रहे हैं। अभी भी हमारा यही समन्वय चल रहा है, यही बात विचार विमर्श चल रहा है कि चुनाव के पहले एक चेहरा यदि हम लेकर जाते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से आम जनमानस के मन में एक बात घर कर गई है कि महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में सरकार आने वाली है। नहीं, मैं कुछ और पूछ रही हूँ आनंद जी आपसे, मैं ये कह रही हूँ, फर्ज कीजिए नाना पटोले ने तो साफ कह दिया कि हमारे लिए मुख्यमंत्री का चेहरा कोई सवाल है नहीं, बड़े नेता उस पर खामोश है। बाला साहब थोराट ने कह दिया कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा। अब क्या उद्धव ठाकरे इस बयान के साथ सहमत हैं या फिर वापसी की भी राह प्रशस्त हो सकती है? पहली बात, ये जो दोनों नेता हैं नाना पटोले जी बाला साहब थोराट साहब, ये महाराष्ट्र कांग्रेस इकाई के नेता हैं। उद्धव बाला साहब ठाकरे जी, शरद पवार साहब और मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपने अपने पार्टी के पार्टी प्रमुख हैं। तो जब कोई ऐसी बात पर चर्चा होती है जिसमें थोड़ा सा विवाद दिख रहा है तो इसका निर्णय ये तीनों शीर्ष नेतृत्व ही बैठ के करते हैं। अब जैसे मैं कह दूं, मैं आनंद दुबे हूं, मैं कह दूं कि भाई हमारी इच्छा है कि हमारे ही नेता सीएम बने, इच्छा होती है, कहना भी चाहिए। पार्टी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पब्लिक के बीच में उत्साह वर्धन के लिए कहना होता है, हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे कहने से या थोराट साहब के कहने से या पटोले साहब के कहने से निर्णय अंततः नहीं हो जाते, निर्णय अंततः दिल्ली में बैठकर एक पूरे समन्वय के साथ करने होते हैं। और रही बात कि हम अगर एनडीए की दिशा में जाएंगे, देखिए राजनीति वर्तमान में चलती है, राजनीति विषय पर चलती है, मुद्दों पे चलती है। हम अगर महाविकास आघाड़ी के साथ प्री पोल इलेक्शन में हैं, इनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनके साथ ही रहेंगे। कोई अगर बार बार साथ ही रहेंगे, और अगर शिवसेना को कम सीटें कांग्रेस देती है, 13 सीटें जीती कांग्रेस, स्ट्राइक रेट भी बढ़िया रहा कांग्रेस का, तो अगर कम सीटें मिली हैं तो राजी होंगे उद्धव ठाकरे आनंद दुबे? देखिए ऐसा है कि हमें विधान लोकसभा चुनाव के पहले हमारी पार्टी तोड़ी गई, हमारा चुनाव चिन्ह छीना गया, हम सब कोर्ट में लड़ रहे थे, एक नया नाम एक नया चुनाव चिन्ह लेकर हम आए। लेकिन धन्यवाद है महाराष्ट्र की पावन धरती की पावन जनता का, जिन्होंने हमें 21 सीटों में से 9 सीटें उसके बाद भी दी। भाजपा के यहाँ नेता बैठे हैं, इनका चुनाव चिन्ह कमल कोई छीन ले, इनका नाम भारतीय जनता पार्टी छीन ले और ये लोग चुनाव में 15 दिन पहले आए, तो ये जो हम 9 पाए हैं ना, ये 2 सीट भी नहीं पाएंगे, क्योंकि 28 सीटों पर लड़के इतनी पुरानी पार्टी जिसका नाम चिन्ह सब उसके पास है वो भी 9 पाते हैं। हाँ। और एक 15 दिन पहले चुनाव चिन्ह नाम मिलने के बाद 21 में से हम भी 9 पे आते हैं, तो हम बड़े हुए ना आनंद। एक सेकंड, 9 सीटें आपकी, 13 सीटें कांग्रेस की,
आप कह रहे हैं 9 सीटें इसलिए रह गई क्योंकि हमारी पार्टी टूट गई, हमारी पार्टी ना टूटती तो हम कांग्रेस से भी ताकतवर थे, तो ये ताकत का ही झगड़ा है ना आनंद, यही तो नहीं झगड़ा नहीं, मैं वही कह रहा हूँ झगड़ा नहीं है, आप इसे झगड़ा मत कहिए, आप इसे कहिए कि लोकतांत्रिक संवाद है, एक पार्टी है, तीन अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां, और उस संवाद में अगस्त से लेकर अभी सितंबर महीने के खात्मे तक वो संवाद पूरा नहीं हुआ क्लाइड, समय पर हम करेंगे, आप तकरीबन न्यूट्रल पार्टी है इस धड़े